प्रधानमंत्री मोदी की इकोनॉमिस्ट एडवाइजर काउंसिल के सदस्य संजीव सान्याल ने यूपीएससी को लेकर कुछ ऐसा कह दिया है जिसने बवाल मचा दिया है। सोशल मीडिया पे लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। संजीव कहते हैं कि यूपीएससी में सफल होने के बाद भी आपको सिर्फ फाइलें ऊपर नीचे करनी चाहिए। यूपीएससी की तैयारी करने वालों को अंबानी और एलन मस्क बनने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि क्या यूपीएससी सिर्फ एक नौकरी है या फिर लोग सिर्फ इसे आईएएस आईपीएस बनने के लिए ही करते हैं। यूपीएससी का एग्जाम देश का सबसे कठिन एग्जाम में से एक है। आईआरएस आईएफएस बनने का सपना देख रहे उम्मीदवार एग्जाम क्लियर करने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं। अब दिल्ली के मुखर्जी नगर में जाके देख सकते हैं, वो कौन सा ऐसा राज्य नहीं होगा जहां से बच्चे यूपीएससी क्रैक करने के लिए उस छोटी सी जगह में रह के पढ़ रहे हैं। गरीब से लेकर अमीर के बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं। भारत में बोला जाता है कि यूपीएससी सिर्फ एक नौकरी नहीं है, यूपीएससी एक जज्बा है, एक पैशन है, एक देश के प्रति ईमानदारी है, एक लड़का का, एक लड़की का एक सपना है जो देश को बदलना चाहता है। अब ऐसे में कई लोग सोशल मीडिया पे अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग इसे सही करार दे रहे हैं तो कुछ लोग संजीव साल्यान पे कई सारी उंगलियां भी उठा रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपके इस कमेंट से दिक्कतें होंगी। अब लोग सोशल मीडिया पे क्या कह रहे हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। यूपीएससी मेंटर और अंतर्राष्ट्रीय संबोधन पर लिखने वाले दीपांशु सिंह संजीव सान्याल से अपनी सहमति जताते हुए इसका समर्थन में कई तर्क देते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक के बाद एक कई पोस्ट कर कहा कि सिविल सेवाओं को लेकर धारणाएं जो हैं उनसे वास्तविकता काफी अलग है। वही मार्केटिंग और कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट ऋषिकेश टकसाले ने कहा कि लोअर मिडिल क्लास के लिए यूपीएससी जीवन बदलने वाला हो सकता है क्योंकि ये उन्हें उच्च स्तर पर ले जाएगा। वही मध्यम वर्ग के लिए अच्छी शिक्षा के साथ खुद कुछ बनने का मौका देता है जबकि उच्च मध्यम वर्ग और अभिजात वर्ग जिनके पास बड़े विश्वविद्यालय में शिक्षा हासिल करने की क्षमता है वो यूपीएससी चुनने को समय की बर्बादी समझते हैं। अर्थशास्त्र के जानकार और रियल स्टेट पर नजर रखने वाले विशाल भार्गव ने एक्स पर पोस्ट किया कि असहमत हूं मैं। यूपीएससी कई लोगों के लिए एक सपना है। किसी दूसरी नौकरी के जरिए क्या आपके पास इतनी शक्ति होगी और इतनी कम जवाबदेही है? अधिकांश नौकरशाह छोटे व्यवसाय चलाने में सक्षम नहीं होंगे। दुनिया को बदलने की बात तो दूर की बात है। इसके अलावा कई सोशल मीडिया हैंडल से भी ट्वीट किए गए। एक सोशल मीडिया हैंडल है ब्यूरोक्रेट्स इंडिया, वो लिखता है, एक लंबा चौड़ा लेटर लिखता है। लेटर का कुछ पार्ट हम आपको पढ़ के सुनाना चाहेंगे। इस ब्यूरोक्रेट्स इंडिया को स्मृति ईरानी ने भी फॉलो किया हुआ है, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। वो लिखते हैं कि वी रिस्पेक्ट योर पर्सपेक्टिव बट वी अर्ज यू टू रिकंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ योर वर्ड्स ऑन द ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ मिलियंस ऑफ इंडियन यूथ। व्हाइल इट्स ट्रू दैट क्रैकिंग द यूपीएससी एग्जाम इज चैलेंजिंग, इट्स ऑल्सो अ सिंबल ऑफ इमेंस डेडिकेशन एंड कमिटमेंट दीज इंडिविजुअल्स हैव टुवर्ड्स सर्विंग द नेशन। वहीं राखी बख्शी भी लिखती हैं, जो कि एक आम यूपीएससी एस्पिरेंट हैं। वो लिखती हैं कि यूपीएससी इज नॉट एग्जाम प्लेटफॉर्म बट हैशटैग लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, सो प्लीज सर। मतलब बेसिकली लोग इसके विरोध में उतर रहे हैं, लोग संजीव साल्यान के बातों से सहमत नहीं हैं और वो कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको अपना बयान वापस लेना चाहिए। बहरहाल आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे मुद्दे पे कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।